नमस्कार। आज हम सरकार ने जो जनता से वादे किए थे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के, किसानों की आय दुगनी करने के और कोरोना काल में जिस तरीके से लाभार्थियों को फ्री राशन बांटा गया उसके बारे में चर्चा करें। इस सरकार ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब के इलेक्शनों से पहले एक बात कही जिसमें कहा कि 80 करोड़ लोगों को हमने कोरोना के चलते मुफ्त राशन मुहैया कराया। 9 महीने पहले लॉकडाउन में और करीब 6 से 8 महीने दूसरे लॉकडाउन में और उसके बाद इलेक्शन के बाद उसको कंटिन्यू रखा। मार्च से लेकर सितंबर 2022 तक उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति और अनंतोदय स्कीम में 35 किलो राशन, मोटा अनाज, चावल, गेहूँ, दाल, नमक, ये सब चीजें जो है मुहैया करें। और सरकार ने उसका आंकड़ा दिया कि 3,60,000 करोड़ रुपए का खर्चा व्यय किया गया अभी तक इन लाभार्थियों वर्ग को फ्री में राशन देने का, और आगे भी 50 से 60 हजार करोड़ रुपए और खर्चा होगा जो सितंबर 2022 तक की स्कीम चलेगी। उसके बाद फूड क्राइसिस आया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूक्रेन और रशिया के वॉर के चलते, लड़ाई के चलते। उसमें आपने देखा कि गेहूं का दाम किस तरीके से 2,000 रुपये जो MSP है उससे बढ़कर 4,000-5,000 रुपये कुंटल बिकना शुरू हुआ। तो प्राइवेट प्लेयर्स ने गांव-गांव जाकर मंडियों में गेहूं खरीदा और उसको कांडला पोर्ट से अदानी लॉजिस्टिक्स के जरिए उसको एक्सपोर्ट किया। तो सारा मुनाफा जो है उसका जितने भी व्यापारी थे उनके द्वारा और जिन्होंने उसको एक्सपोर्ट किया, जिनके पास लाइसेंस थे पोर्ट के अदानी लॉजिस्टिक्स द्वारा और बड़े बड़ी कंपनियों द्वारा, उसको बाहर भेजा गया और उसको मुनाफा कमाया गया। हालांकि इसमें बेहद गर्मी के चलते इस बार फसल जो थी उसकी जो आउटपुट थी वो करीब 4 से 5 क्विंटल पर एकड़ कम थी। इसमें किसानों को करीब 1,500 से 2,000 रुपये एकड़ का नुकसान हुआ और उसकी भरपाई के लिए 500 रुपये क्विंटल की डिमांड भी रखी गई किसानों द्वारा कि 500 रुपये क्विंटल किसानों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि कहीं अगर 20 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से या 44 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से आउटपुट थी, वो आउटपुट घटके 16 क्विंटल पर एकड़ रह गई और इसी तरीके से 4 से 5 क्विंटल का पर एकड़ नुकसान हुआ किसानों का। किसानों ने उसकी भरपाई सरकार से मांगी, हालांकि सरकार ने उसके बारे में अभी तक कोई बात नहीं की। उसके बाद लाभार्थियों को जिस तरीके से राशन किया जा रहा था, ये मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये मुनादी का वीडियो आप देखिए। 5 एकड़ जमीन, सरकारी कर्मचारी, शस्त्र लाइसेंस, 5 की लाइसेंस, 5 KV जनरेटर, AC, 100 वर्ग मीटर मकान या फ्लैट हो, वो अपना राशन कार्ड तहसील उतरौला में आपूर्ति कार्यालय में जाकर सरेंडर कर दे। अन्यथा जांच के बाद अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो गेहूं 24 रुपया किलो, चावल 32 रुपया किलो तथा चना, नमक, तेल बाजार भाव से रिकवरी किया जाएगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी कार्ड धारक की होगी। जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में कोटेदार द्वारा एक मुनादी की गई और उस मुनादी में ये कहा गया कि जो भी लोग जिनके पास 100 वर्ग मकान में एक घर है या फ्लैट है या 5 किलोवाट का वो जनरेटर रखते हैं अपने पास, 5 KV का उनके पास जनरेटर है, शस्त्र का लाइसेंस है या दुपहिया वाहन है, अच्छा पहिया वाहन है, ट्रैक्टर है, 5 एकड़ जमीन है, तो उन लोगों को कहा गया कि आप अपने राशन कार्ड जो है वो जाके सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो 24 रुपये किलो आटा, 32 रुपये किलो चावल और नमक, चना, तेल का दाम जो है बाजार के मूल्यों के द्वारा आपसे रिकवरी की जाए। अब जब 80 करोड़ लाभार्थियों को जब ये राशन बांटा गया कोरोना काल में, तब तो उनसे ऐसी कोई बात नहीं की गई थी, कंडीशन नहीं रखी गई कि आपके पास अगर घर है, वाहन है या जमीन है या ट्रैक्टर है तो आप उस राशन के हकदार नहीं है। अब ये क्योंकि राशन बढ़ गया और गेहूं के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ गए
और उम्मीद है कि चावल के दाम भी बढ़ेंगे क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं, तो उसके चलते अब लोगों से पैसा क्यों मांगा जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि सरकार ऐसे समय में जबकि लोगों को सपोर्ट करना चाहिए इकोनॉमी, आप देख रहे हैं किस तरीके से GDP जो है 5 ट्रिलियन की जगह 2 ट्रिलियन पे आ गई, 2.8 ट्रिलियन पे थी अब 2 ट्रिलियन पे आ गई है, हो सकता है 2 ट्रिलियन से नीचे भी जाए इस वित्तीय वर्ष में, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ जो है वो 1.7% पे है जबकि बाजार में फूड इन्फ्लेशन इस टाइम 7% क्रॉस कर, 7.7% पे फूड इन्फ्लेशन, टोटल फूड इन्फ्लेशन है, उसमें खाद के जो आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, उस पर किन्हीं चीज़ों पे, तेल पे और कई चीज़ों पे जो इन्फ्लेशन है वो 12% से 15%। तो जाहिर सी बात है कि जो मिडिल क्लास का बजट है इस बार बिगड़ने वाला है, गैस के दाम आसमान पे छू रहे हैं, सिलेंडर का रेट जो है 1000 रुपये से ज़्यादा क्रॉस कर गया है, कमर्शियल सिलेंडर का रेट जो है वो 3500 से 5000 रुपये पहुँच गया है। तो इस तरीके से जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं, दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम ऑलरेडी आसमान को छू रहे हैं, तो लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, अपना बजट कैसे बनाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और अपना हेल्थ का बजट कैसे बनाएंगे, इन बातों पे सोचना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ये स्लाइड वन देखिए, स्लाइड वन में बड़ा क्लियर है कि जो गेहूं की जो फसल इस बार जो है उसमें नुकसान हुआ किसानों को, उसकी वजह से अगर गवर्नमेंट का जो अनुमान था वो ये था कि इस बार जो है 144 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन होगी, जबकि इस बार प्रोडक्शन जो है वो 100 मिलियन मेट्रिक टन भी पहुंचना मुश्किल है। सरकार की जो सोर्सिंग का बजट था वो था कि वो करीब 32 से 34 मिलियन मेट्रिक टन जो है गेहूं को सोर्स करेगी, पर अभी तक उनकी सोर्सिंग मात्र 19.1 मिलियन मेट्रिक टन है। और वीट का जो एक्सपोर्ट है, जो गेहूं का एक्सपोर्ट है, वो ऑलरेडी 11 मिलियन मेट्रिक टन पहुंच चुका है और सरकार का अनुमान है कि वो 21 मिलियन मेट्रिक टन जो है एक्सपोर्ट करेगी, जिसका सीधा सीधा फायदा प्राइवेट प्लेयर्स को, मिडलमैन को या अदानी अंबानी को होगा, क्योंकि पोर्ट्स उनके पास हैं, लाइसेंस उनके पास हैं, तो एक्सपोर्ट करने का दारोमदार भी उनके पास है। MSP का रेट 2000 रुपये है सरकारी रेट पर, गेहूँ जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5000 रुपये कुंटल के हिसाब से बिक रही, क्योंकि सरकार की सोर्सिंग कम होगी। जैसे कि आपको मैंने बताया 6560 करोड़ रुपए का किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि इस दफा प्रोक्योरमेंट में करीब 32.56 लाख मेट्रिक टन का नुकसान होगा किसानों का, उसमें से मंडी बोर्ड जो कमीशन के तौर पे काम करते हैं, मंडी बोर्ड का 394 करोड़ का नुकसान होगा, आढ़तियों का 149 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, ट्रांसपोर्टर का करीब 90 करोड़ रुपए का नुकसान होगा और लेबर का, क्योंकि लेबर को 20 रुपए ढुलाई और क्या रेट मिलता है 20 रुपए कुंटल के हिसाब से, तो 80 करोड़ रुपए लेबर का भी नुकसान होगा। अब चूंकि सोर्सिंग सरकार की जो अनुमानित थी उसके हिसाब से कम है, ओपनिंग स्टॉक सरकार के पास 19 मिलियन मेट्रिक टन का ही बचा है, और एक्सपेक्टेड प्रोक्योरमेंट जो थी वो गवर्नमेंट ने कहा था कि 37.5 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो सोर्स करेंगे 2022-23 में, पर वो अब घट के 18.5 ही रह गई, और 7.5 मिलियन मेट्रिक टन का अगर आप बफर स्टॉक निकाल दें तो सरकार के पास मात्र 37.5 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो गेहूं FCI के गोदामों में रहेगी, अगर 7.5 मिलियन मेट्रिक टन उसका बफर स्टॉक निकाल दें, जो कि अक्टूबर नवंबर के महीने में जब दाम बढ़ते हैं मार्केट में तो प्राइवेट प्लेयर्स को, फ्लोर मिल्स को वो गेहूं रिलीज की जाती है ताकि सर्दियों में गेहूं का दाम जो है वो भी 32 से 35 रुपए किलो रहे, पर अभी जो आटा है वो ऑलरेडी कुछ स्टेटों में 50 का आंकड़ा पार कर गया है, कुछ स्टेटों में 40 रुपए किलो के हिसाब से 390 से लेके 400 रुपए की 10 किलो की बोरी आशीर्वाद आटा की मिलती है या कोई भी ब्रांडेड आटा मिलता है। लोकल मार्केट में 32 से 34 रुपए रेट है। आटे के दाम में पिछले 4 सालों में 42% की वृद्धि हुई, जबकि गेहूं में 1500-1600 रुपए रेट था 2015-16 में, वो आके अब 2015 हुआ है, मतलब कि गेहूं के दाम में सबसे 9.5% की वृद्धि हुई है जो किसानों को मिलता है, और 42% वृद्धि जो हुई है वो आटा, ब्रेड, बिस्किट के प्रोडक्शन में या प्राइस में हुई है, जिसका सीधा सीधा फायदा प्राइवेट प्लेयर्स को जाता है। तो प्राइवेट प्लेयर्स ही
बढ़ते दामों के चलते पैसा कमाते हैं, किसानों के हाथ में कुछ नहीं मिलता। अब क्योंकि पीडीएस की रिक्वायरमेंट मिनिमम 26 मिलियन मेट्रिक टन की है और उसमें 5.5 से 6 मिलियन मेट्रिक टन तो खाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जैसे कि मैंने आपको बताया वेलफेयर स्कीम है जिसमें मिड डे मील्स हैं और ये मार्च से लेकर सितंबर तक उनको अपना फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, तो इन सब के चलते 26 मिलियन टन तो उनको पीडीएस के लिए चाहिए और 5.5 से 6 मिलियन टन खाली उनको चाहिए अपना क्या नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के हिसाब से। 2 मिलियन मेट्रिक टन उनको मिड डे, 12 करोड़ बच्चों को मिड डे मील्स मिलते हैं उसके लिए, राशन के लिए गेहूँ चाहिए। तो कुल मिला के अगर बफर स्टॉक की रिक्वायरमेंट जो सर्दियों में दामों को कंट्रोल करने के लिए आती है उसको अगर आप निकाल दें तो 30 मिलियन मेट्रिक टन ही माल बचता है एससीआई के गोदामों में और रिक्वायरमेंट जो है वो 35 मिलियन मेट्रिक टन की है। तो गवर्नमेंट के पास गेहूं की शॉर्टेज है और इस शॉर्टेज को वो कैसे पूरा करेंगे, जब इम्पोर्ट करेंगे तो प्राइस बढ़ा हुआ मिलेगा, उसकी सब्सिडी फिर सरकार देगी या कौन देगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो अब कोई डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर्स को तो इसका मिला नहीं ना उनको, मैंने जैसे कि आपको बताया कॉम्पनसेशन मिली लो प्रोडक्शन के चलते, तो जितने भी प्रॉफिट हैं वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही होंगे, छोटे उद्योगपतियों को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद मैं आपको एक स्लाइड 2 दिखाता हूँ। स्लाइड 2 में देखिए, ये स्लाइड 2 जो है ये पीटीआई की एक कल 11:30 बजे प्रधानमंत्री जी का एक तत्व था, उसको उन्होंने बताया कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से जो लाभार्थी हैं उन तक नहीं पहुंचती हैं, या तो वो कागजों पे रह जाती हैं या लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। ये एक पुरानी बात है, जब राजीव गांधी ये कहते थे या इंदिरा गांधी ये कहती थी या मनमोहन सिंह जी ये कहते थे तो यही विपक्ष जो है उनको आड़े हाथों लेता था कि आप लोग रुपए में 10 पैसे ही पहुंच पाता है लोगों तक जो किताबों में लिखा जाता है या जो वेलफेयर स्कीम बनाई जाती है। 300 से ज्यादा वेलफेयर स्कीम सरकार ने लॉन्च की है पिछले 8 से 8.5 सालों। उसमें प्रमुखता मैं आपको विधिवत बताऊंगा किस तरीके की स्कीम्स हैं और किस तरीके से सरकार ने वेलफेयर स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। यूएनडीपी जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके 16th चैप्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये कहा गया था कि हर आदमी के पास एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। आज भी हमारे देश बहुत बच्चों के पास, बहुत लोगों के पास एक लीगल आइडेंटिटी नहीं, क्योंकि वो स्कूल नहीं गए तो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट नहीं मिला, पैदा भी अपने घरों में हुए दाई के द्वारा तो हॉस्पिटल का कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास अभी भी कई लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं है तो बैंक से वो जुड़े नहीं क्योंकि उनके पास आइडेंटिटी नहीं थी, बर्थ आइडेंटिटी, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या पहचान पत्र उनका नहीं बन पाया तो उनके अकाउंट्स भी नहीं खुले। तो बहुत सारे ऐसे जिसको कह सकते हैं आपकी आदर्श नागरिक हैं इस देश के जो किसी भी स्कीम से जुड़ ही नहीं सकते क्योंकि उनका नामो निशान नहीं है कागजों पर। सरकार तो इंसान को सिर्फ कागजों से ही पहचानेगी, अगर कागज ही नहीं होंगे तो उस आदमी को आप कैसे पहचानेंगे। तो उसके चलते सरकारों ने, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक आधार का एक सिस्टम बनाया कि आधार सब पे होना चाहिए, उस पर बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया। ये अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस की एक पहल थी, यूएनडीपी का उसमें एक चार्टर था कि लीगल आइडेंटिटी हर एक आदमी के पास होनी चाहिए। कि देश में आज भी 150 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है, जिनका कोई पहचान पत्र नहीं है, जिनकी कोई जिन जो आदर्श सिटीजन है, नागरिक हैं, जिनके बारे में इस देश को पता ही नहीं कि वो हैं कि नहीं, ना उनका डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर होता है ना उनका बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर होता है। तो जब ये आधार का एक कॉन्सेप्ट आया कि आधार कार्ड से सबकी बायोमेट्रिक सिस्टम बनेगा, आधार किट से ही लोगों के अकाउंट खोलेंगे, लोगों का पहचान पत्र बनेगा, तो आधार कार्ड बनवाने के लिए पहचान पत्र की जरूरत थी। तो कई लोगों के पास नहीं पहचान पत्र थे, वो आधार कार्ड भी उनके नहीं बनता है, तो गरीब आदमी गरीब ही रह गया। वो डिजिटाइजेशन में नहीं आ पाया क्योंकि जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा वो डिजिटाइजेशन कैसे करेगा, वो देश में देश की जो डेवलपमेंट है उसके साथ कैसे जुड़ेगा और उसका बेनिफिट कैसे देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2022 तक किसानों की आय डबल करने का वादा किया और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का वादा किया 2025 तक इस सरकार ने, तो उनके साथ कैसे जुड़ेगी। तो ये जब बायोमेट्रिक सिस्टम आइडेंटिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया गया
तो 2011 के सेंस के बाद सेंसस 2021 में होना था, लॉकडाउन के चलते हुआ नहीं। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग मात्र 58.7% हाउस होल्ड जो है उनके पास सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज है, या इनका बैंक अकाउंट है या जनधन अकाउंट है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन योजना शुरू की तो उसमें उन्होंने बायोमेट्रिक जो आधार कार्ड जिनकी केवाईसी के द्वारा उन्होंने जनधन अकाउंट खोले, और सरकार ने ये कहा कि हमारे 40 करोड़ जो है वो अकाउंट हैं, और 40 करोड़ अकाउंट हमने खोले जनधन अकाउंट के, जिसमें हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है उन लोगों को करेंगे, गरीब लोगों को करेंगे, ताकि उनका जीवन यापन चले। 83,000 करोड़ रुपए 2018-19 तक सरकार ने जनधन अकाउंट में, जैसे किसानों को सम्मान निधि दी 6,000 रुपये प्रति 6 माह, तो 12,000 रुपये प्रति साल के अंत की तरफ से, और जनधन योजना में सबके अकाउंट खोल के दिए कि सब केवाईसी से, आधार कार्ड से, बायोमेट्रिक सिस्टम से जुड़ेंगे, तो आगे जो भी लाभ होंगे, जो भी वेलफेयर स्कीम्स होंगी उसके द्वारा उनको वो बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ एक भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसको भीम कहते हैं, ऐप शुरू की गई, रुपया ऐप शुरू की गई। उस ऐप के जरिए जो है बिजनेस पॉसिबल हो पाएगा कि एक आदमी दूसरे आदमी को पेमेंट कर सकता है वाया यूपीआई। तो उसमें डायरेक्ट कैश का सिस्टम खत्म कर दिया कि आपको कैश किसी को देने की जरूरत नहीं है, आप ऐप से या उसको स्कैन करके या क्यूआर कोड से या फोन नंबर से उसको लिंक कर दिया, जिसके पास फोन नंबर है उसको फोन नंबर से अकाउंट को लिंक कर दिया कि फोन के द्वारा या बार कोड के द्वारा या एक यूपीआई इंटरफेस के द्वारा, एक यूपीआई आप अकाउंट बना लीजिए उसके द्वारा आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। लॉकडाउन में इसका बहुत भरपूर फायदा लिया गया, ऑनलाइन पेमेंट्स के द्वारा सारी चीजों का। तो 100 करोड़ रुपए का बिजनेस खाली यूपीआई, यूपीआई से, भीम ऐप से, ये आधार के द्वारा, या आधार के जरिए जनधन अकाउंट्स के द्वारा। सरकार का कहे कि हमने 100 करोड़ रुपए से ऊपर का, 100 बिलियन डॉलर के, इनफैक्ट सॉरी 100 बिलियन डॉलर का हमने ट्रांजेक्शन ये किया यूपीआई के द्वारा। अब क्योंकि पंजाब, ये पीएम जनधन योजना जो थी उसमें डायरेक्ट पेमेंट का प्रावधान था, तो 300 वेलफेयर स्कीम चलाई गई, और सरकार ने कहा कि अब तक जनधन अकाउंट्स में 1,60,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया जा चुका है। जनधन अकाउंट जो भी लाभार्थी हैं उनको दिया जा चुका है। इसका मकसद जो था जनधन अकाउंट खोलने का, ये था कि जो छोटे लोग हैं जिनका बिजनेस गांव से होता है, जो अपने कैश क्रॉप्स उगाते हैं और कैश के द्वारा ही वो ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम में लेके आया जाए, ताकि उनको क्रेडिट ऋण की सुविधा उपलब्ध रहे। मान लीजिए कोई आदमी जो है टमाटर उगाता है या सब्जी उगाता है, तो वो यूपीआई के जरिए अपना माल बेच के ट्रेडर को, और यूपीआई के द्वारा अपने अकाउंट में वो पैसा ले सकता है, ताकि उसको जो है लेन देन में प्रॉब्लम ना आए। पहले उनके अकाउंट ही नहीं थे, अकाउंट खुल जाएंगे तो उनके लिए मार्केट बड़ी हो जाएगी, और उसके द्वारा उनको क्रेडिट की सुविधा भी दी जाएगी, उनको ऋण की सुविधा भी दी जाएगी। किसी को 5,000 से 10,000 से 20,000 का लोन चाहिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पर प्रैक्टिकली में ऐसा हुआ नहीं, वो इसलिए कि बैंकों के जो मार्जिन है वो बहुत थिन है, 1 से 2% मार्जिन पे बैंक जो है क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। आरबीआई ने अभी हाल ही में आपने देखा किस तरीके से मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी के चलते रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4 से 4.5% किया, सीआरआर भी घटा दिया, मार्केट में 87,000 करोड़ रुपए की स्क्वीज हो गई क्रेडिट लेवल। तो जब बैंक्स इतने टाइट शेड्यूल में काम करते हैं तो उनका स्प्रेड बहुत थिन होता है, तो इसलिए उनके लिए मिनिमम जो लोन है जो वो डिसबर्स कर सकते हैं, जिसको कैटर कर सकते हैं, वो 3 से 4 लाख रुपए का मिनिमम होता है। कि अगर लोन जो है छोटा लोन होगा, माइक्रो फाइनेंस होगा, 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख रुपए तक के लोन जो है उनको सर्विस करना बहुत मुश्किल होगा। उसमें कलेक्शन भी होती है, डिसबर्समेंट होती है, और सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों का क्रेडिट असेसमेंट कैसे करोगे जिन लोगों ने कभी लोन लिया ही नहीं। आपको कैसे पता लगेगा कि आदमी पैसा वापस कर सकता है कि नहीं कर सकता। बांग्लादेश की सक्सेस स्टोरी है कि माइक्रो फाइनेंस में जब भी छोटे लोन दिए गए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, या गांव में लोगों ने जो अपने आप बताएं जो अपने पब्लिक, जिन्होंने अपने प्राइवेट कोऑपरेटिव्स बनाए, छोटे छोटे कोऑपरेटिव्स, तो छोटे छोटे कोऑपरेटिव्स जब लोन लेते हैं तो उनका दायित्व बनता है लोन वापस करने का। तो बांग्लादेश की सक्सेस स्टोरी है माइक्रो फाइनेंस की, जब जब पैसा दिया उन्होंने पैसा वापस मिला। ये छोटा जो कर्जदार होता है वो कभी भी डिफॉल्ट नहीं करता है, जिसको अपना बिजनेस करना है। बड़े जो कर्जदार होते हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, वही ज्यादातर डिफॉल्ट करते हैं। अब पिछले 7 वित्तीय वर्ष में 12 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो है कॉर्पोरेट्स का माफ हो गया, पर छोटे लोगों को, छोटे मध्यम वर्ग
जो काम करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो किसान हैं, उनको ऋण नहीं मिलता, और मिलता है तो इतने हाई इंटरेस्ट पे मिलता है कि उनका वापस करना मुश्किल हो जाता है। तो उस तरफ सरकार को क्रेडिट एक्सपेंशन जो थी, छोटे मध्यम वर्ग की ऑर्गेनाइजेशन एसएमईज हैं, एसएमईज हैं, अब डिमोनेटाइजेशन के चलते जब कैश का चलन ही कम हो गया और 25 लाख करोड़ रुपए का कैश का वितरण उस टाइम पे था 2016 में, जो घट के 18 लाख करोड़ रह गया था, अगर मैं सही कह रहा हूँ, और उसके बाद आज की डेट में एक आंकड़े के अनुसार 45 लाख करोड़ रुपए लोगों के हाथ में कैश आ गया। मतलब जितना भी कैश जो संचालन में था डिमोनेटाइजेशन से पहले, उससे डबल से भी ज्यादा हो गया। 18 लाख करोड़ रुपए संचालन में था, 45 लाख करोड़ हो गया। तो लोग अब बैंकिंग में पैसा डालते ही नहीं है, डरते हैं कि कहीं ये बैंक बंद ना हो जाए, हमारा पैसा ना फंस जाए। लॉकरों में से सामान निकाल लिया लोग, कहीं बैंक बंद हो गया तो लॉकर में से सामान नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था हो गई कि लोगों में डर या भय पैदा हो गया डिमोनेटाइजेशन के बाद। और जीएसटी के चलते जितनी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस थी, असंगठित क्षेत्र थे, वो अलग हो गए, क्योंकि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि उन पर जीएसटी 18% 20% पे लगेगा, तो उनका माल महंगा कौन खरीदेगा। तो इस वजह से क्रेडिट एक्सपेंशन भी रुक गया एमएसएमईज को। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था लॉकडाउन के टाइम 2020-21 में कि हम लोग 60 से 65 हजार करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा एमएसएमईज को सपोर्ट दे रहे हैं, 1.25 लाख करोड़ रुपए तक का पैकेज अनाउंस किया गया, पर वो उसके चलते प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो पाया। और आपको पता है कि छोटे उद्योग जो होते हैं वही रूरल वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करते हैं, वही ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, पर इकोनॉमी फॉर्मलाइजेशन के चक्कर में और जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में ये लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो लिए। जहां 2 करोड़ नौकरी पर साल पर ईयर देने का वादा किया था सरकार ने, वो 2.5 करोड़ नौकरियां हाथ से निकल गई। 12 करोड़ नौकरियों का संगठित क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र में इससे भी ज्यादा नुकसान हुआ है। और सिर्फ 60% नौकरी जो है पुरुष वर्कफोर्स को लोगों की वापस मिली है, और जो महिला वर्कफोर्स है उसमें तो और भी आंकड़ा कम है, 10% से कम ही औरतों को वापस जॉब मिली है। बाकी 90% जो औरतें वर्कफोर्स में थी वो वर्कफोर्स से बाहर हुई, संगठित क्षेत्र की तो बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब चीजें हुई, और फिर आरबीआई ने 2021 में एक ये कहा कि एक हम अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क बनाएंगे। उस अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क की जो वो ये धारणा ये थी कि जितने भी फाइनेंशियल लेंडर्स, जैसे कि नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, उसको हम उन लोगों से कनेक्ट करेंगे जिनके पास क्रेडिट फैसिलिटी, जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया, जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, उनके लिए हम लोन मुहैया कराने के लिए हम उसके लिए काम करें। तो उन्होंने एक नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी का स्ट्रक्चर तैयार किया जिसमें एग्रीगेटर, मैंने आपको बताया फ्रेमवर्क में, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में उन लोगों को लोन मुहैया कराए जाएंगे जिससे क्रेडिट जो है इंडिविजुअल्स को बढ़े, क्योंकि उसमें कलेक्शन भी अच्छी है, सरकार को उसमें नुकसान भी नहीं होगा। तो उसमें कोशिश की गई, पर अभी स्कीम जो है वो ठंडे बस्ते में है, वो टेक ऑफ नहीं। मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन के टाइम में ये स्कीम टेक ऑफ हो जानी चाहिए थी, जैसे लॉकडाउन खुले लोगों पे क्रेडिट अवेलेबल हो और लोग अपने बिजनेसेस को बढ़ा सकें, अपने कमाई कर सकें और घर में अपने लालन पोषण कर सकें, पर ऐसा हुआ नहीं। और जहां तक रही संगठित क्षेत्र के ऑर्गेनाइज सेक्टर के बिजनेसेस की बात, तो जितने भी इसमें छोटे बिजनेसमैन हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं, रिटेल व्यापारी हैं, अब उनके लिए मजबूरी ये बन गई कि उनको, या फिर टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनकी मजबूरी ये बन गई कि उनको ऐप्स के जरिए, जैसे ऊबर ऐप है, उसके जरिए आप उनको लिंक करिए तो आपको टैक्सी का काम मिलेगा ऑनलाइन, उसमें 30 से 35% कमीशन आपके कंपनी वाले खा जाते हैं। मतलब अगर 500 रुपये का आप पेमेंट करते हैं एक ट्रिप का टैक्सी का, तो उसमें से 200 रुपया कम से कम जो है वो कंपनी रख लेती है, और डीजल का, पेट्रोल का खर्चा निकाल के, सीएनजी का खर्चा निकाल के मात्र 100-150 रुपये ड्राइवर को बचते हैं। इसी तरीके से जोमाटो और स्विगी जिस तरीके के ऐप शुरू हुए, वो दिखाते हैं आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, पर प्राइस बढ़ा के वो प्राइस को डिस्काउंट दिखाते हैं, और उसमें से 20 से 30% कमीशन जो है वो रेस्टोरेंट्स की काट रहे हैं। तो जब इस तरीके से ये बड़े बड़ी कंपनियां आई, रिलायंस जियो आई, टाटा आई, और जोमेटो आई, स्विगी आई, ऊबर आई, इन लोगों ने ज्यादा कमीशन चार्ज करके एक अपना डेटाबेस बना लिया। उस डेटाबेस में उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दी कि जिस रीजन में जिस तरीके की डिमांड है, उस डिमांड को उन्होंने अपने
प्रेफर्ड पार्टनर्स जो उनके हैं जिनसे वो ज्यादा कमाई कर सकते हैं या खुद भी उसमें वो सप्लाई चेन में सप्लायर बन गए कि इस एरिया में अगर इस चीज की ज्यादा डिमांड है तो हम अपनी कंपनी खड़ी कर लें जिससे हमें ज्यादा फायदा हो। तो उसमें छोटे लोगों को या एक गाड़ी चलाने वाले को या एक छोटे फूड जॉइंट को नुकसान हुआ, क्योंकि जिस तरीके डिमांड ज्यादा है इनके पास डेटा बेस है तो उसकी डिमांड ये खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी एक सब्सिडरी यूनिट खोल के और कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट आ जाते हैं अपने सप्लायर्स के साथ। तो जो छोटे सप्लायर्स हैं या जो छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका उसमें नुकसान होता है, और जो बड़े लोग हैं जो बड़ी कंपनियां हैं वो जहां प्रॉफिट ज्यादा देखती हैं वहां अपनी कंपनी अपनी यूनिट अपनी सब्सिडरी खोल देती है। तो इसके लिए सरकार ने एक विचार किया था कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स बनाए। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिसका कि कहा कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये स्लाइड 3 में आप देखिए मोदी एट 20 ड्रीम मीट्स डिलीवरी एक किताब का विमोचन किया गया परसों अमित शाह द्वारा। उसमें मोदी जी का विजन दिखाया गया कि जो भी हम लोग कर रहे हैं वो एक विजन के अंतर्गत कर रहे हैं, उसमें सबको फायदा होगा। तो उसी के चलते सरकार ने ये कहा कि क्योंकि बड़ी कंपनियां आती हैं ऐप्स बनाती हैं आपको पहले कनेक्ट करती हैं और कस्टमर्स को डिस्काउंट देती हैं कस्टमर से डिमांड जनरेट करती हैं और फिर जब उनकी दुकान चल पड़ती है और जब सप्लायर्स को पैसा मिलना शुरू हो जाता है तो ये अपनी कमीशन बढ़ा देते हैं और जिस चीज में ज्यादा जो बिजनेस मिलता है उस चीज में अपनी सब्सिडरी कंपनी खोल देते हैं। तो सरकार ने एक विजन दिया कि हम ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स बनाएंगे जिसका नाम रखा ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। जो ट्रांजेक्शन सेंट्रिक मॉडल होगा उसमें किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को बायर और सेलर को जो है वो किसी ऐप के द्वारा कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक ओपन एंडेड, क्योंकि जितनी भी ये ऐप्स हैं वो क्लोज एंडेड नेटवर्क है, क्लोज एंडेड ग्रुप्स की चलती है कि पहले आप अपने आप को रजिस्टर करिए वो आपको ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद ही आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। जब ये ONDC बन जाएगा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स तो ये ओपन नेटवर्क होगा, इसमें कोई भी बायर या कोई भी सेलर फ्री एंट्री एग्जिट कर सकता है। मान लीजिए कि मैं फर्ज करिए गेहूं बेच रहा हूं, मेरे पास 50 क्विंटल गेहूं, तो मैं अपने आप को एज अ सेलर इंट्रोड्यूस करता हूँ कि मैं सेलर हूँ मेरे पास 50 क्विंटल गेहूं है, तो मेरे पास बिड करने के लिए बहुत सारे बायर्स आ सकते हैं और जिसमें कोई मिडल मैन नहीं, डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या एरिया किस एरिया में उनको चाहिए वो सब वर्किंग करके वो अपने आप डिसाइड कर सकते हैं बायर सेलर की जिसको खरीदना है क्या वो उसके लिए ये वो खरीदने के लिए वैलिड है कि नहीं है, तो उस तरीके से वो ऑर्डर करेंगे। तो ये थर्ड पार्टी ऐप्स बनाएंगी, ओपन एंडेड ऐप होगी और जिसमें UPI का भी प्रावधान होगा कि पेमेंट जो है थ्रू डिजिटल मीडिया आप डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं और माल ट्रांसपोर्ट बुक करके बिल्टी करके आप माल पार्टी को भेज सकते हैं। तो ये इससे ईज ऑफ बिजनेस हो जाएगा और जितनी बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें आपको बताया अमेजोन है, रिलायंस है, जियो है, टाटा है, ऊबर है, जोमेटो है, फ्लिपकार्ट है, तो जिस तरीके से वो बड़ी बड़ी कमीशन लेके ट्रांजेक्शन चार्जेस लेके सर्विस फीस उनकी काफ़ी हैं ले रहे हैं, तो ये इसको इससे जो है बायर्स को भी फायदा होगा सेलर्स को भी फायदा होगा, एक अलीबाबा टाइप एक बिजनेस कॉमर्स थर्ड पार्टी एग्रीगेटर सरकार द्वारा। तो ये सब चीजें सरकार कह तो रही है कि वो ये सब करेगी, कब करेगी कैसे करेगी। अब लाभार्थियों को फ्री राशन जब मुहैया कराया तो उनको नहीं पता था कि उनसे पैसे वसूले जाएंगे, जब जनधन अकाउंट खोले गए तो कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा पर अभी तक वो स्कीम टेक ऑफ नहीं हुई है, हालांकि कोरोना काल के चलते कुछ स्कीम्स जैसे कि जितने भी बच्चे स्कूल जाते थे जिनको मिड डे मील नहीं मिले उनका 500 रुपया प्रति माह के हिसाब से ट्रांसफर था, तो कुछ स्टेटों में बहुत कम जगह हुआ, कई जगह नहीं हुआ, कोरोना के चलते दवाइयां लोगों को मुहैया नहीं हो पाई, ऑक्सीजन की शॉर्टेज रही, वैक्सीनेशन सरकार ने जरूर फ्री करा दी पर वैक्सीनेशन और लाभार्थी फ्री राशन के चलते सरकार को ऐसा लगा कि हमारा दायित्व खत्म हो गया। सरकार का दायित्व जो है अच्छी एजुकेशन, अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स और जहाँ गरीब परिवार के लोग हैं, आपका जब आप खुद ही मानते हैं 80 करोड़ लोग जो हैं वो देश में गरीब हैं, तो उनके लिए फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ सर्विसेज तो सरकार का दायित्व बनता है पहुंचाना और दिलाना। तो ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी किस तरीके से सरकार जो आने वाले समय में अपने आप को कार्यरत करती है और जैसे कि उन्होंने वादा किया है कि किसानों की आय को दुगनी कर देंगे, अगर प्राइवेट प्लेयर्स की आय दुगनी हो रही है, 4 गुना हो रही है, 10 गुना हो रही है, तो किसान की आय तो वहीं खड़ी है, किसान आज भी सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनको DAP खाद खरीदनी पड़ती है, बीज खरीदने पड़ते हैं, बीज के दाम नहीं मिलते और
जब बीज, जब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, पेट्रोल डीजल की कॉस्ट बढ़ जाती है, पानी की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो किस तरीके से वो अपने आप कॉस्ट को रिकवर करेंगे, किस तरीके से अपने अपने चीज़ों को रिकवर करेंगे, ये सब बातें सोचने वाली हैं सरकार को। जो सरकार कहती है ऑन पेपर, वो खुद ही मान रही है कि लोगों तक उनकी स्कीम नहीं पहुंच पा रही है, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, क्या क्या उसके पास पॉलिसी है, ये सरकार को जो है ओपन डायलॉग पब्लिक के साथ करके सब क्लियर करना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले शुक्रवार फिर किसी नए सब्जेक्ट पर मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।